नमस्कार, वेब दुनिया समाचार में आपका स्वागत है। पेश है आज की प्रमुख खबरें। कंधे पर गन नहीं हल रखें, समस्याएं सुलझ जाएंगी, कहा नरेंद्र मोदी ने। नक्सल प्रभावित छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को नक्सलियों से हथियार छोड़ने की अपील करते हुए कहा कि बंदूक से नहीं हल से समस्याओं का समाधान होगा। उन्होंने कहा कि हिंसा का रास्ता छोड़ें, इस रास्ते का कोई भविष्य नहीं है। कम से कम 2-5 दिन के लिए ही बंदूक कंधे से हटा दीजिए, मिल बैठकर रास्ते निकल सकते हैं। छत्तीसगढ़ नक्सल मुक्त हो जाएगा तो नंबर वन राज्य बन सकता है। अपनी छत्तीसगढ़ यात्रा के दौरान मोदी ने रावघाट और जगदलपुर के बीच रेल लिंक के दूसरे चरण के लिए दूसरे सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए। 140 किलोमीटर रेल लिंक से बस्तर क्षेत्र, रायपुर, बिलासपुर और दुर्ग जैसे राज्य के अहम शहरों से जुड़ जाएगा। रेल लिंक से उद्योगों के लिए लोह अयस्क की आसान एवं सस्ती ढुलाई हो सकेगी। नक्सलियों ने सुकमा जिले में 500 ग्रामीणों का अपहरण किया। छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में नक्सलियों ने लगभग 500 ग्रामीणों को अगवा कर लिया है। सुकमा जिले के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक हरीश राठौर ने शनिवार को बताया कि जिले के मरेंगा क्षेत्र में नक्सलियों ने लगभग 500 ग्रामीणों को अगवा कर लिया है। राठौर ने बताया कि मरेंगा गाँव के करीब नदी पर पुल का निर्माण चल रहा है, नक्सली इसका विरोध कर रहे हैं। सौरभ गांगुली और राहुल द्रविड़ पर भड़के कपिल देव। भारतीय टीम के पूर्व कप्तान कपिल देव ने मीडिया में सौरभ गांगुली और राहुल द्रविड़ के भारतीय टीम के कोच बनाए जाने वाले मुद्दे की आलोचना की है। कपिल ने पुरानी बातों का हवाला देते हुए कहा कि भारतीय क्रिकेटर 15 साल पहले भी टीम इंडिया का कोच बनने के लिए तैयार थे, लेकिन तब गांगुली और द्रविड़ ने ऐसा नहीं होने दिया। कपिल ने गांगुली पर कटाक्ष करते हुए कहा कि जब वो कप्तान थे तो उन्हें टीम इंडिया के लिए भारतीय कोच नहीं चाहिए था और अब वो टीम इंडिया के लिए भारतीय कोच की वकालत कर रहे हैं। लड़ाकू विमान मिग 27 दुर्घटनाग्रस्त, 2 लोगों की मौत। पश्चिम बंगाल के अलीपुर द्वार में शुक्रवार को वायुसेना का लड़ाकू विमान मिग 27 दुर्घटनाग्रस्त हो गया। हादसे में विमान का पायलट बाल बाल बच गया। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि विमान ने शाम को हाशिमपेट हवाई अड्डे से 8:20 पर नियमित उड़ान भरी थी। रात लगभग 8:30 यह दुर्घटनाग्रस्त हो गया। हादसे में 2 आम नागरिक मारे गए। हादसे की जाँच के लिए कोर्ट ऑफ इंक्वायरी का आदेश दिया गया है। मांझी ने बनाई नई पार्टी, नीतीश दुश्मन नंबर वन होंगे। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने अंततः शुक्रवार को हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा नामक नई पार्टी बना ली। मांझी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को निशाने पर लेते हुए कहा कि वह नई पार्टी के दुश्मन नंबर वन है। पूर्व मंत्री शकुनी चौधरी इस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष होंगे। ये थे अब तक के मुख्य समाचार। और ज्यादा जानकारी के लिए लॉगिन कीजिए हमारी वेबसाइट www.webdunia.com। नमस्कार।